hope you all are fine. Welcome to the class of kindergarten. I am your teacher Khadija Nazir. ये आपकी उर्दू की कॉपी है. आज हम उर्दू की कॉपी का काम करेंगे. सबसे पहले इसे खोलेंगे और देखेंगे कि हमने कौन सा काम करना है. ठीक है, अब इसे हमने खोला. ये सफ़ा नंबर यहाँ से शुरू हुआ था. सफ़ा नंबर एक और सफ़ा नंबर दो हमने कर लिया था. तीन चार भी कर लिया था. सफ़ा नंबर पाँच छः सात आठ, ये देखें नौ दस हमने कर लिया था. ये सफ़ा नंबर दस तक हमने कर लिया था. अब हम करेंगे सफ़ा नंबर ग्यारह. ये देखें सफ़ा नंबर ग्यारह करेंगे. अब हम इसे शुरू करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेट डालते हैं, तारीख. ऊपर हम यहाँ पर क्या डालेंगे, डेट. आज क्या तारीख है, 27 जुलाई 2020. ये हमने तारीख डाल दी, डेट. ठीक है, इंग्लिश में डेट कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, तारीख. हमने तारीख लिख ली. इसके बाद हम देखेंगे हमने क्या काम करना है. ये पे बना हुआ है लेकिन इसकी ट्रेसिंग करनी है. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर एरो दिए हुए हैं, एरो को फॉलो करके हम जो है अपना पे लिखेंगे. ये एरो को फॉलो करना है, यहाँ से फिर नीचे से मुड़ना है, यहाँ सीधी लाइन, फिर ऊपर जाके ये यहाँ पर एक एरो दिया, ऊपर से मुड़ना है. ठीक है, उसके बाद नुक्ते डालने हैं, एक दो तीन. ठीक है, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे के नीचे तीन नुक्ते. इसके बाद ये तस्वीर दी हुई हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे. ठीक है, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे से प्याला, पे से पिंजरा, पे से पहिया, पे से प्याला, पे से पिंजरा, पे से पहिया. अब क्या करना है, इन तस्वीर में रंग भरने. क्या करना है, रंग भरने. अपना कलर बॉक्स निकालेंगे सब और इसमें रंग भरेंगे. ठीक है, अब हमने या ब्लैक कलर, काला कलर, यहाँ पर इसके साइड पर जो ऐसे बना हुआ था इस पर हमने कलर करना स्टार्ट कर दिया. इसको, इस हिस्से को ऐसे कलर किया और हमने काला कलर इस्तेमाल किया. यहाँ पर कौन सा कलर इस्तेमाल किया है, काला कलर. ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक. आप कहते हैं ना ब्लैक कलर, इसको उर्दू में काला कलर कहते हैं. ठीक है, मतलब काला रंग. और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक कलर. इसे ऐसे हमने कर लिया. इसके बाद इसके नीचे वाले इस हिस्से पर हम करेंगे जामनी कलर. ये कौन सा कलर है, जामनी कहते हैं इसे उर्दू में. कौन सा कलर है ये, जामनी. आप उर्दू का काम कर रहे हैं ना, इसलिए उर्दू में इनके नाम बता रही हूँ. ठीक है, ये है जामनी कलर. इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता और हल्का हल्का करना है. ठीक है, ऐसे इसको कर दिया, ये हो गया जामनी कलर. किस पर, प्याला लिखा हुआ है, ये प्याला है. प्याला पर हमने कौन सा कलर कर दिया, जामनी, और इसके इस साइड पर काला. इसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है पिंजरा, इस पर कैसा रंग भरना है. इस पर यहाँ पर करेंगे पीला. ठीक है, इस हिस्से पर पीला, इस नीचे वाले हिस्से पर भी पीला. अब आप इसके बीच में देखें, ये एक परिंदा बना हुआ है. ठीक है, इस पर भी रंग भरेंगे. इस पर कौन सा रंग भरेंगे, इस पर भरेंगे ये वाला. ये कौन सा है, गुलाबी. इस हिस्से पर कौन सा कलर करेंगे, गुलाबी. और बीच में जो ये वाला हिस्सा है इसके पर का, इस पर हम चेंज कलर करेंगे. ठीक है, ये वाला कलर नहीं करेंगे, पिंक नहीं करेंगे. ऐसे मैंने गुलाबी इस पर कर दिया, इस हिस्से पर, और इस बीच वाले
सिर पर ये कर लूँ ब्लू कलर, ठीक है नीला। इसके बाद ये क्या है नीचे पहिया, पहिए पर कैसे कलर करना है इस पर, ये जो लाइन नजर आ रही है ये बिल्कुल दायरा बना हुआ है, इस पर करना है काला, काला रंग भरना है ऐसे। यहाँ पर जरा गाढ़ा गाढ़ा कलर करना है तेज तेज, ठीक है। इसके बाद इसके ये बीच वाला हिस्सा नज़र आ रहा है ऐसे इस शक्ल में बना हुआ है, इस पर हल्का हल्का कर देंगे हम, इसी काले कलर को हल्का हल्का कर देंगे तो वो कैसा लगेगा, ग्रे लगेगा, ठीक है सुरमई कलर लगेगा ग्रे ऐसे हल्का हल्का करेंगे। उस जब हमने दायरे पर कलर किया था इस वाले पर तो हमने तेज़ किया था ना कि वो ब्लैक लगे, काला काला कलर लगे, तो अब हम यहाँ पर हल्का हल्का कलर करेंगे ताकि ये ग्रे कलर लगे, सुरमई कलर लगे, ठीक है। अब ये हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर वाले हिस्से में हम कौन सा कलर करेंगे, ऑरेंज माल्टाई, ठीक है उर्दू में क्या कहते हैं इसे, माल्टाई रंग। अब इसको ऐसे कर दिया पूरे दायरे पर, यहाँ इसके कोनों पर, दायरे पर पूरे दायरे पर, और जहाँ पर भी जगह आपको नज़र आ रही है वहाँ पर इस हिस्से पर माल्टाई कलर कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये कलर हमने इसमें रंग भर दिए, सबकी कलरिंग हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद एक दफ़ा अब हम इसे पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ें, पे पे के नीचे तीन नुक्ते, पे से प्याला, पे से पिंजरा, पे से पहिया, ठीक है। अब हम सफ़ा नंबर 12 करेंगे, ठीक है ये सफ़ा नंबर 12 है। सबसे पहले क्या क्या लिखते हैं हम, तारीख ऊपर डेट डालते हैं, ठीक है। अब डेट डालेंगे 27 जुलाई 2020। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हमारा काम क्या है। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, पे पे पे, उसके बाद नीचे ट्रेसिंग दी हुई, हम पहले से ट्रेस करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे पढ़ेंगे भी। पे पे के नीचे तीन नुक्ते, पे पे के नीचे तीन नुक्ते, पे पे के नीचे तीन नुक्ते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ नुक्ते नुक्ते दिए हुए हैं, अब हर लाइन पर नुक्ते देखें जिस पर मैं अपना पेन रख रही हूँ, नुक्ते नुक्ते दिए। अब आपने खुद करना है, ठीक है। अब कैसे करना है, ये जो नुक्ता है ना इसे ऐसे टेढ़ा करके मोड़ के ऐसे लाना है, नज़र आया सबको। उसके बाद सीधी लाइन बनानी है और जो दूसरा नुक्ता है ना इस पर से यहाँ पर मोड़ देना है, ठीक है। मोड़ दिया तो क्या बन गया, पे की शक्ल बन गई। इसके बाद क्या करेंगे, पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, पे के नीचे तीन नुक्ते होते हैं तो तीन नुक्ते डालेंगे, 1 2 3, ठीक है तीन नुक्ते डाल दिए। इसके बाद अगला करेंगे सेम ऐसे ही करेंगे, कैसे, इस नुक्ते से मोड़ा, सीधी लाइन बनाई, ऊपर जाके मोड़ा और 1 2 3 नुक्ते डाल दिए, पे पे के नीचे तीन नुक्ते। इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे गौर से देखिएगा, नुक्ते से ऐसे मोड़ा इस लाइन पर लाकर, ठीक है मोड़ दिया। अब यहाँ से छोटी सी सीधी लाइन लगा ली। अब इस लाइन को ऊपर इस नुक्ते से मिलाना है ऐसे मोड़ कर, ठीक है नज़र आया आपको, मिला दिया। अब नुक्ते डालने, पे के नीचे तीन नुक्ते, 1 2 3, ठीक है पे के नीचे तीन नुक्ते। अब आगे आप लिखते जाएंगे, ठीक है आपको मेरे साथ साथ लिखना है। आपको नुक्ते नज़र आए, पे पे के नीचे तीन नुक्ते, पे पे के नीचे तीन नुक्ते, पे पे के नीचे
के नीचे तीन नुक्ते, पे पे 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 के नीचे तीन नुक्ते, साथ साथ पढ़ना भी है, ठीक है। पे पे के नीचे तीन नुक्ते, 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 ठीक है। अब एक दफा सफा नंबर 11 निकालेंगे और उससे पढ़ लेंगे, ठीक है। पे पे के नीचे तीन नुक्ते, पे से प्याला, पे से पिंजरा, पे से पहिया, ठीक है। इसके बाद हमने सफा नंबर 12 अपना लिख लिया है। वी डन आवर वर्क। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।